सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा के नेतृत्व में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कई इलाकों में पुलिस ने आने जाने वाले राहगीरों को किया चेक, हेलमेट व मास्क की हो रही है चेकिंग। कई लोगों के काटे गए चालान, लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस चला रही है जागरूकता अभियान। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी की ओर से गरीब और जरूरतमंदों को चिन्हित कर बांटी गई राशन किट। जिले के दर्जनों गांव में 168 राशन किट का किया गया वितरण। गांव-गांव में घूमकर लोगों को कोरोना वायरस से किया गया जागरूक। परिमंडल की पदाधिकारियों की टीम के द्वारा, मंडल अध्यक्ष श्रीनगर के द्वारा, टीम के द्वारा ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया जिनको शासन की किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला था। अमेठी में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक साथ 5 मरीज मिलने से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 11। सुकुल बाजार के बदलगढ़ में कोरोना के 4 मरीज मिले। गुजरात से लौटी एक महिला भी निकली कोरोना पॉजिटिव। सभी कोरोना मरीजों को भेजा गया सुल्तानपुर के L1 हॉस्पिटल। हड़कंप मचा। अमेठी में उद्योग व्यापार मंडल की अनूठी पहल। कंटेनमेंट जोन में बनाए गए 5 बैरियरों पर कराया गया सैनिटाइजेशन का काम। लोगों ने की प्रशंसा। अमेठी में लगातार मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर शुरू हुआ सर्वे का काम। कंटेनमेंट जोन में समस्त व्यक्तियों के घर घर जाकर आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व पर्यवेक्षणीय अधिकारी व परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक कर रहे हैं सर्वे। सभी के सहयोग देने की गई अपील। सर, हम लोग सर्वे कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। प्रशासन द्वारा हमको बताया गया, निर्देश दिया गया कि आप लोग घर घर जाइए, सर्वे करिए। कोई बाहर से तो नहीं आया है, किसी को सर्दी जुकाम बुखार ये तो नहीं हुआ है। अमेठी के साईधाम इलाके में कोरोना मरीज निकलने के बाद पूरे इलाके को किया गया था सील। पुलिस ने मुनादी करवा कर लोगों को घरों में रहकर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करने का दिया निर्देश। 1 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह किया गया है सील। अमेठी के मुसाफिरखाना में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर और पिकअप में हुई जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर और पिकअप दोनों सड़कों पर पलटा। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को आई गंभीर चोटें। हाईवे पर गुन्नौर मोड़ के पास की है घटना। घायलों को भेजा गया अस्पताल। अमेठी के थाना मुंशीगंज में बीती 2 मई को मृतक अवधेश सिंह की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या किए जाने वाले मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी शशांक व आबादराज की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया आला कत्ल। दोनों को गंभीर धाराओं में भेजा गया जेल। पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी हत्या। इसमें 5 लोगों के खिलाफ एक नामजद FIR दर्ज हुई थी, जिसमें 3 लोग कृष्णपाल, राजेश और दुर्योधन को पहले ही मुंशीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें शेष 2 अभियुक्त शशांक और अवधराज को आला कत्ल के साथ आज मुंशीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सुल्तानपुर में लॉकडाउन के दौरान बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अन्नदाता बने हैं नगर के सामाजिक कार्यकर्ता लकी झा। सामाजिक कार्यकर्ता लकी झा लगातार 42 दिन से पशु पक्षियों को करा रहे हैं भोजन। मानवता की पेश कर रहे हैं मिसाल। लोगों ने की प्रशंसा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुल्तानपुर जिलाधिकारी श्री इंदुमती लगातार लोगों से कर रही हैं अपील। आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए लोगों से कह रही हैं। एंड्रॉयड फोन न होने की दशा में 1921 पर मिस कॉल देकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें ताकि सुल्तानपुर सुरक्षित रहे। सच्चाई वही जो हम बताएं।